उसने मेरे अंदर कुछ देखा और उसके सेल्फ बिलीफ ने मुझे मोटिवेशन दिया। बट इसके अलावा मैं बहुत ऑडिशन देता रहता हूँ, फेल भी होता रहता हूँ, और उससे जब उठ के आता हूँ तो मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीफ आता है और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और बिना ऑडिशन प्रोसेस के मेरे अंदर वो आएगा नहीं। But when your father was around, would you audition in front of him? No, sir. Learn from him? Did you subconsciously or consciously learn from your father? Sir, it's inevitable to learn, you know. Of course, आप जब आप किसी के साथ इतना वक्त बिताते हो तो आप सीखते हो उनसे, और मैंने जब इस सेट पे वक्त बिताया तो इवन इफ मुझे कोई डायरेक्टली नहीं सिखा रहा था, मैं सीख रहा था। यू नो, केके सर को देख के मैं सीख रहा था, देवेंदु भाई को देख के मैं सीख रहा था, मैडी सर को देख के मैं सीख रहा था, शिव को देख के मैं सीख रहा था, आयुष को देख के मैं सीख रहा था, मैं सबको देख के सीख रहा था। मुझे लगता है आदमी की खासियत ये होती है, इंसान की खासियत ये होती है कि वो हर वक्त सीख रहा होता है, आपको पता नहीं होता पर आप सीख रहे होते हो। शिव, आपने ये कास्टिंग कैसे की? Because one of the highlights I thought of your series is the characters you have created. Web series are not often able to create such strong characters, each of whom, you know, remains in your mind even after you've seen the series. How did you choose these? How did you choose a Munna? How did you choose Babel? How did you choose a KK? How did you choose Madhavan? Sir, मत बोलना यार. देखिए, कास्टिंग के लिए ना हमें बहुत तारीफ मिल रही है, and you know, definitely one of the strong points है इस शो का. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नो, जो द टैलेंट दैट सिटिंग ओवर हियर, वो देखते हैं वो स्क्रिप्ट में कितना दम है, एंड आई थिंक इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दैट, बिकॉज टू गेट दिस काइंड ऑफ पीपल टू अग्री टू डू पार्ट्स इन अ शो इन एन एनसेंबल कास्ट। बहुत कम लोग जानते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, और मैक्सिमम लोगों को बचाया भी मुस्लिम भाइयों ने, और अब ये भी जानिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब प्लॉट है। एक मिनट देखिए, जिनको यार मैं जिनको यार बहुत कुछ आप और सुन सकते हैं, और मैं आपसे सबसे दरखास्त करूँ मां जितना प्यार देने के लिए भाई देख रहे हो, ये सब पूरी भीड़ मुन्ना भाई के लिए है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना समझें, और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैमिली आप लोग हैं। थैंक यू। मैं केवल एंड में कहीं कहूंगा कि सर यार
भैया